सो फाइनली कल डंकी ड्रॉप 2 आ ही गया। ड्रॉप 2 में लुटपुट गया सॉन्ग को रिवील किया गया है। वैसे जब ड्रॉप 1 आया तभी से अपडेट आ ही गई थी कि डंकी के टोटल 5 ड्रॉप्स आने वाले हैं। लेकिन उस वक्त ये था कि ये जो 5 ड्रॉप्स आने वाले हैं इसमें शायद थोड़े थोड़े पार्ट्स में कटिंग करके टीजर या ट्रेलर को दिखाया जाएगा। लेकिन जब ये सॉन्ग रिवील किया गया उससे पहले एक पोस्टर जारी किया गया था कि कल ये सॉन्ग आने वाला है ड्रॉप 2 में, तब सबको ये पता चला कि ये जो 5 ड्रॉप्स आने वाले है उसमें सिर्फ टीजर या ट्रेलर नहीं बल्कि गाने भी इंक्लूड किए जाएंगे और इस तरीके से 5 ड्रॉप्स रिवील किए जाएंगे। सो फाइनली ड्रॉप 2 में लुटपुट गया सॉन्ग जो कि एक फनी टाइप का सॉन्ग है इसको रिवील किया गया। तो कैसा है डंकी का गाना और क्या है इस गाने में खास, लेट्स चेक इट आउट। चार उल्लूदे पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं उनमें एक लड़की है। Hey everyone, welcome to the film. मैं हूं एकता जानी। सो डंकी का फाइनली ड्रॉप 2 आ ही गया। एक सॉन्ग रिवील किया गया है ड्रॉप 2 में जिसका नाम है लुटपुट गया। सबसे पहले बात करते हैं इस गाने के सिंगर की। अरिजीत सिंह ने ये गाना गाया है जो मशहूर है इमोशनल और रोमांटिक टाइप के गाने गाने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो बंदा रोमांटिक और इमोशनल गाना गाने के लिए मशहूर है क्या वो फनी टाइप का गाना गा पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अरिजीत सिंह ने इस गाने को निभाया है इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा किसी भी तरीके का गाना गा सकता है। इनके लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं है सिंगिंग के लिए। बात करें अगर SRK की तो SRK इस बार पठान और जवान के बाद बिल्कुल ही अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। एक तो उनका डांसिंग स्टेप और ऊपर से उसमें कॉमेडी जो गाने में जान फूंक देते हैं। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आया इस गाने का सिग्नेचर स्टेप और जिस तरीके से SRK ने इस स्टेप को किया है, मतलब कि स्टेप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन जिस तरीके से स्मूथली SRK ने इसको किया है मेरा ध्यान बार बार उसी स्टेप पर जा रहा था। बात करें गाने के लोकेशंस की तो एक ही गाने में कई अलग अलग तरीके के लोकेशंस दिखाए गए हैं पंजाब के जो काफी कलरफुल लग रहे हैं। तापसी बन्नू बहुत सालों के बाद किसी डिफरेंट अवतार में नजर आई है। सिंपल लग रही है लेकिन काफी अच्छी लग रही है। गाने में एक थप्पड़ वाला सीन है जो काफी कॉमेडी है। इसे ये पता चलता है कि इस मूवी में कॉमेडी भी भर भर के डाली जाएगी। वैसे डायरेक्टर राजकुमार ईरानी उनकी तो पैटर्न ही ये रही है, PK देख लो, मुन्ना भाई देख लो या फिर 3 इडियट्स, वो सोशल मैसेज प्लस इमोशन प्लस कॉमेडी इन तीनों को इंक्लूड करके किस तरीके से एक मूवी में परोसना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर बार बार वीजा की भी बात छेड़ी जाती है। अगर आप ड्रॉप 1 देखो तो उसमें भी वीजा की बात छेड़ी गई थी कि मेरे इन उल्लू के पट्टे दोस्तों को वीजा लेकर बाहर जाना है। ड्रॉप 2 में भी अगर आप देखो तो लास्ट के सीन में वीजा की बात हो रही है तापसी पन्नू और SRK के बीच। सॉन्ग में अलग अलग कंट्रीज कैनेडा और UK USA का फ्लैग भी दिखाया गया है। सो अरिजीत की आवाज प्लस उसमें SRK की एक्टिंग और डांसिंग प्लस पंजाब का कलरफुल लोकेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मजबूर कर देगा इस गाने को बार बार सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए भी। मतलब रिपीटेड सॉन्ग है ये, बार बार इसको सुनोगे और देखोगे फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। वैसे मुझे तो ये गाना बहुत पसंद आया। लिरिक्स इसके बहुत अच्छे हैं और ऊपर से SRK की कॉमेडी प्लस एक्टिंग प्लस डांसिंग इस गाने को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो अब आपको ये डंकी ड्रॉप 2 मतलब कि ये लुटपुट गया गाना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।